जो भी वो दूसरा आदमी है जिसे हमने गवा दिया। दूसरे से क्या मतलब है? और कौन मरा? पिछले महीने कैल्विन मरा था, क्यों भूल गए क्या? वो 65 साल का था और दिल का मरीज था। इसमें नई बात क्या है? वो अपने बिस्तर पर मरा इडियट, समंदर में नहीं घूम रहा था। अब भी कहता हूँ ये आप शगुन है। तुम कहना क्या चाहते हो? शिप्स के हाथ आजकल मछलियां नहीं लग रही और क्रूमैन मर रहे हैं, ये आप शगुन है। संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा जब आसमान से कोई मुसीबत आकर गिरेगी। ये लो गिर गए। सही कहा, आसमान से कुछ तो गिर रहा है। क्या बढ़िया चीज गिरी है। कोई जोक सुना रहे हो? नहीं सर, नहीं। तुम दोनों अपना काम वक्त पर खत्म कर लेना ताकि कंडोलेंस मीटिंग पर जा सको। हो जाएगा कैप्टन। अंदर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। यस सर। हाय। हाय, तुम ठीक हो? बहुत अजीब से पेश आए, लगता है हमारे बारे में पता चल गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मेरे टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। कम ऑन डैनी, इतना ज्यादा मत सोचा करो। जब तुम उनको बता दोगी सोचना छोड़ दूंगा। इस बारे में हम कहीं और बात नहीं कर सकते? श्योर। आप सोच रहे होंगे कि हम चर्च के बजाय यहाँ क्यों आए हैं। वेल, जो ये जानता था कि आप सारे जोकर यहाँ तो आएंगे ही, इसीलिए वो चाहता था कि हम बेकार की भागदौड़ से बच जाए। बुरा मत मानिए फादर। जोए के नाम, जोए के नाम। उसकी मॉम बहुत हिम्मत वाली लेडी है। तुमने सही कहा बहन। ध्यान रखना अगली बार मेरे बेटे डैनी का नंबर ना हो। कैबिन की चाबियां? डैड अंदर है, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मतलब तुमने अपने डैड से झूठ बोला? वो मुझे मार डालेंगे। तो तुमने डैड को डैनी के बारे में कुछ नहीं बताया? उन्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ के लड़के से प्यार करूंगी तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। तो उन्हें मत बताना कि डैनी हमारे साथ जा रहा है। क्या मजा आएगा। लो ये आखिरी बचा है ड्रो, चले यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे नाइट शिफ्ट की तैयारी करनी है। तुम और एरिन हमारे साथ आइलैंड पर नहीं आ रहे? वो तुम लोगों के साथ आज रात जाएगी, मैं उसे सुबह मिल लूंगा। क्या यार, तुम्हें पता है ना कैसे हमारे हाथ से पिछला शिकार निकल गया था और कोई कमाई नहीं हुई। कम से कम अब मुझे किसी काम का पैसा तो मिलेगा। लेकिन याद से आना जरूर, मैं दो लड़कियों के साथ फंसना नहीं चाहता। इसमें क्या बुराई है। या गुड बाय ड्रो। ओके, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। हे, तुम्हारे कांटे में कुछ फंसा। क्या बात है, जब से मैंने डॉक पर काम करना शुरू किया तब से हर रोज मैं कांटा डाल देता हूँ। पता है कितनी बार मेरे हाथ कुचली लगा? हाँ पता है, एक बार भी नहीं। बहुत भारी है। बॉडी बिल्डर मदद चाहिए क्या? मुझे नहीं देना सरा। दांत निकल गया। एक मिनट, नेट में कुछ फंसा है। ओह नो, ये तो मरे हुए अल्बेट्रोस है ना? ये आप शगुन है समझे? ठिकाने लगा दो इनको,
किसी की नजर में ना आए। हे, वैसे ये चक्कर क्या है? लगता है तुम बहुत टेंशन में हो विल, तुम्हारी हालत पतली हो गई है ना? सुना है तुम्हारा पहला शिकार हाथ से निकल गया, बहुत शर्म की बात है। ये बताओ मेरा पैसा कब दोगे तुम? तुम्हें पैसा मिल जाएगा। कब? रिटायरमेंट के बाद। मैं काम छोड़ रहा हूं। तुम नहीं सुधरोगे। पता है शायद अब तुम में इस काम को करने का दम नहीं रहा है। मतलब बिना मछली के वापस आना एक बात है और बिना अपने क्रू के वापस आना दूसरी। बकवास मत करो, खून बहुत गर्म है तुम्हारा, कहो तो ठंडा कर दूं। से कोई प्रॉब्लम है रोए? कोई प्रॉब्लम नहीं है शेरिफ, बस तुम्हारे निकम्मे भाई को याद दिला रहा हूं कि इसे मछली मिले या ना मिले लेकिन इसे मेरा पैसा वापस चुकाना है। विल निकम्मा नहीं है, तुम जानते हो। तुम्हें एक बार और बोट चाहिए तो पहले मेरे पैसे चुकाने होंगे। तुम ये काम छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? जानते हो ना आजकल कॉलेज में पढ़ाई कितनी महंगी है। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, क्या कहना चाहते हो? बाली जो लेडी जो फिशिंग प्रॉब्लम पर काम कर रही है उसे कुछ मिला है, सोचा मैं मछुआरे को ले जाऊं। चलो अपने भाई की मदद करो, तुमसे ज्यादा समंदर के बारे में कोई नहीं जानता है। कम ऑन। हाय आर्यन। हे जे विल, सुना है तुमने क्रू मेंबर खो दिया। आई एम सॉरी। थैंक्स। तो क्या मिला तुम्हें? कलर पर टैक्सी फोल दिया। ये एल्जे की बहुत खतरनाक स्पीसीज है। तो क्या यही मछलियों को मार रही है? हो सकता है, ये खास एल्जे मछलियों की कई स्पीसीज में बहुत ज्यादा केमिकल छोड़ती हैं। ये पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती हैं। वेल, तुमने कैसे पता लगाया कि यही उसकी वजह है? मुझे जो सैंपल्स मिले हैं शायद उन पैचेस से कुछ हो सकता है, या उनसे बहुत बड़ी महामारी भी हो सकती है। मछलियों की घटती तादाद को देखते हुए महामारी का खतरा है। मैं कल बोट लेकर पानी में जाऊंगी, फिर तुम्हें बता दूंगी मुझे क्या पता लगा। ओके, थैंक्स। बाय। तुम क्या देख रहे हो? उसकी बाल्टी है यार। हे, अच्छी खबर है, शायद वो इस प्रॉब्लम की तह तक पहुंच जाएगी। इसमें महीनों लग सकते हैं और फिर नुकसान कौन भरेगा? हाँ, क्या बात है। हे बेबे, हम आइलैंड जा रहे हैं। ओह ओके, कूल। मैं तुम लोगों को कल मिलूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कल तुम नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Let's go, Aaron. चलो हम तैयार हैं। I love you too. Mwah. ध्यान रखना। Bye. All right. Bye, baby. तुम सबसे कल मिलूंगा। Ah.
क्या? लगता है कोई बड़ी मछली है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मछली पकड़ने जा रहा हूँ। लेकिन तुम मेरी बोट पर नहीं जाओगे, क्योंकि अभी अभी एक बड़े तूफान की वार्निंग आई है। मेरे आदमी का कहना है कि हमें उससे खतरा नहीं है, ठंडी हवाएं उसे नॉर्थ से हटा देंगी। तुम्हारे पास क्रू है? जो शिकार हाथ से निकल गया था उसकी भरपाई के लिए काफी आदमी है। क्रिसमस साथ नहीं दे रही है, उधार बहुत बढ़ गया है। इससे एक बात याद आई मुझे, मैंने यहाँ पर कोई चैरिटी फंड नहीं खोल रखा है। पूरे हैं, गिन लो। पैसा कहाँ से लाया? बैंक लूटा क्या? मुझे बोट मिलेगी या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा गड़बड़ नहीं करोगे? जो भी हुआ वो पहली और आखिरी बार था, आगे से ऐसा नहीं होगा। अपने ये शब्द याद रखना। ड्रू, ड्रू, कुछ हुआ था क्या? पता नहीं, मुझे लगा मेरे क्रूमैन ने आज सुबह फिशिंग पर जाने के लिए बोट तैयार रखी होगी और मुझे डॉक की हालत में मिला। ये देखो, तुमने इस तरह की चीज पहले कभी देखी? नहीं। वो देखो, वहां भी। थोड़ा यहां पर है, थोड़ा वहां पर है। बोट के एज तक है। वो दिख रहा तुम्हें क्या? कुछ तो है पर नजर नहीं आ रहा। बदमाश कहेंगे। क्या तुम अभी खिड़की पे पत्थर मार रहे थे? नहीं, क्यों? मैंने कांच पर कुछ आवाज सुनी, जैसे कोई पत्थर वगैरह फेंक रहा हो। हाँ, जरूर कोई शैतान घूम रहा होगा। नहीं, वो बस तुम ही हो। ये क्या कर रही हो? कपड़े निकाल रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है? इसकी क्या जरूरत है?
ताकि कपड़े खराब ना हो. स्टूपिड. कपड़े पहनने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. ध्रुव अभी तक नहीं आया. पता नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था. आ जाएगा. अगर तुम्हें नाश्ता बनाना है तो हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी. ओके, अभी लाता हूँ मैडम. मैं रन को ढूंढने जाती हूँ. क्या लगता है जय, ये शाह का काम नहीं लगता है. मुझे लगता है जंगल में किसी जानवर ने आकर उस पर हमला कर दिया होगा. जंगल से जानवर ने आकर उस पर हमला कर दिया और सिर्फ शरीर के टुकड़े छोड़ गया जो पानी में तैर रहा है. और क्या कहीं कोई तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, हम एक हंटिंग पार्टी बनाएंगे और अगर जंगल में कोई खतरनाक जानवर है तो हम उसे ढूंढ लेंगे. तुम काम तो नहीं छोड़ रहे हो ना? नहीं. गुड. ध्रुव का मुझे बहुत अफसोस है. ओके. तुम ठीक हो? शायद उसके लिए अभी तैयार नहीं थी. तुम्हें कोई आइडिया है कि वो हरी चीज क्या हो सकती है? नहीं, वो किसी तरह की फंगस हो सकती है, लेकिन अजीब तरह से उसने डॉग को बदरंग किया है. उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी हो सकती है. मैं तुम्हें कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ. हाँ. वाह, क्या पहना है? ये देख रही हो? हाँ. और यहाँ ये वही चीज है ना जो डॉग पर थी? हाँ. शायद डॉग पर जो भी था वो इस बोट पर भी था. सिवाय इसके कि हमारे टॉक करने से पहले वो यहाँ पर था. ऐसा कैसे हो सकता है? अब बायोलॉजिस्ट तुम हो, तुम बताओ, तुम ऐसा कोई क्रीचर जानती हो जो इस तरह की चीज पीछे छोड़ सकता है? कुछ टेस्ट करूंगी, बाद में पता लगाऊंगी ये क्या है. ठीक है. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग खाली. ध्रुव कहाँ है? क्या वो नहीं आया? मुझे नहीं लगता कि ध्रुव अब आएगा भी. मुझे यकीन है वो आएगा. मेरे साथ घर वापस चलो, डैनी हमारे लिए नाश्ता बना रहा है. नहीं, मुझे भूख नहीं है. लेकिन ध्रुव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है, जब तुम्हारा मूड चेंज हो तो आ जाना. तुमसे कुछ बात करनी है. बात? एक बूढ़े शराबी से?
हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है. ओके, पिछली रात टॉक पर किसी चीज ने ड्रूव को मार दिया. तो बताओ वो क्या चीज है. मुझे नहीं पता. तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो. तुमने एक क्रूमैन खोया था तूफान में जैसे मैंने खोया. मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ था. क्या तुमने मनोज कहानी नहीं सुनी. नहीं, नहीं सुनी. मैं जानना चाहता हूँ वो क्या था. सी मॉन्स्टर्स. वो शाख थी ऐसा मेरे क्रू ने कहा था, इसलिए वो शाख ही होनी चाहिए. तुमने असल में क्या देखा था. वो वाकई में एक शाख ही थी. मैंने उसे 15 फीट की छलांग लगाते हुए देखा था, डेक की एक तरफ से दूसरी तरफ कूदते हुए. वो शार्क नहीं थी बेन. मैंने भी उसे देखा था. वो जो भी था जोई को ले गया. तुम पागल हो गए हो. मेरी बात सुनो. वो जो भी चीज है वो डॉग पर कोई गंदी सी चीज छोड़ गया है, वही जहां उसने ड्रू पर हमला किया था. मुझे वही चीज अपनी बोट पर मिली है जहां से वो जोई को ले गया था. लगता है वो चीज मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई है. मैंने जो देखा वही बता रहा हूं और यही सच है बेन. मैं चाहता हूं तुम इसमें मेरा साथ दो. इसलिए तुम शराब में डूबे नहीं रह सकते. मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल संभल जाओ. इस टाउन के लोगों को बताओ कि असल में तुमने क्या देखा बेन. मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो. ये कहानी उन्हें सुनाओ जिन्हें कहानियां सुनना पसंद हो. चीज नहीं देखी. हिलना मत. सुना तुम श्याम कर रही थी. हाय. आई गेस कॉफी पीने से तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी. थैंक्स. तो पता लगा कि डॉग पर आई वो चीज आखिर कहां से आई. वो टॉक्सिन है, जहर का कोई फॉर्म है, जबरदस्त कॉन्सेंट्रेट. मैडम किसी सी स्नेक का ऐसा जहर ज्यादातर तो छुपे हुए प्रेडेटर में पाया जाता है, जैसे सी डेविल में. वो गहरे समुद्र के एंगलर फिश ऐसा ना. और भेस बदलने में माहिर, खुद को आसपास की चीजों जैसा बना लेता है. और फिर जब कोई लापरवाह शिकार गुजरता है तो जहर छिड़कता है, जिससे शिकार अपाहिज हो जाता है. तुम ये कहना चाह रही हो कि गहरे समुद्र के किसी प्रेडेटर ने ड्रू को अपाहिज करके उसे खा लिया. हा? वो नेचर में कहां मिलता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बस इतना ही बताया है. वो तुम्हारी बोट पर और डॉक पर कहां से आया ये मुझे नहीं पता. समुद्र की गहराई अलग बात है, लेकिन ये वेनम जहां से भी आया है वो अब जमीन पर आ चुका है. जल्दी गाड़ी में बैठो. जल्दी करो. जल्दी दरवाजा अंदर से लॉक कर दो. Yeah.
ये तुम क्या कर रहे हो? किसी ने मेरे हाथ पर काट लिया। ओह माय गॉड, वो जो भी था मैंने उसकी फोटो खींच ली। दिखाओ मुझे, आखिर ये चीज है क्या? पता नहीं, पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी। थोड़ा एंगलर फिश जैसा लग रहा था। क्या, एंगलर फिश? हाँ वही, गहरे समंदर की मछली। उसके सिर पर बड़ी सी चीज होती है। ओह नो, देखो तो कितना बड़ा जख्म हो गया। हम यहाँ मेरे हाथ की चिंता कर रहे हैं या हाय, दिस इज काली, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हे काली, मैं बोल रहा हूँ, डैड। हनी, मुझे फोन करके बताओ कि तुम ठीक हो ना, प्लीज। आई लव यू। आर्डन कैसी है? खुद को संभाले हुए है। वो नहीं बता सकती तुमने क्या देखा। उसने सिर्फ खिड़की पर खून के छींटे देखे थे। उन बच्चों को किसने या किस चीज ने मारा? मैं तुम्हें बता चुका हूँ उसने किसने मारा। गुड, तुम्हें यकीन है ना कि वो कोई कॉस्ट्यूम पहने साइको नहीं था? जो वो चीज हवा में 30 फीट उछली थी और उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ था। वैसे मुझे किसी पागल क्रीचर की कहानी से क्या मतलब निकालना चाहिए विल? वैसे मैंने आज उसे पहली बार नहीं देखा। क्या? तूफान की उस रात को जोई को कोई लहर नहीं ले गई थी, वही चीज ले गई थी। हद करते हो यार। पता है तुम कितनी अजीब बातें कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता कि उस रात तुमने क्या देखा। तुम्हारा सर टकरा गया था और जबरदस्त बारिश हो रही थी, या फिर हो सकता है जो डेक पर फिसल कर पानी में गिर गया हो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा था, पर इस हादसे के बाद इसमें कोई शक नहीं कि मैंने जो देखा वो सच था। बेकार में अपना तमाशा मत बनाओ विल। मैं इस मामले में बात करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा। मैं अपने आदमियों को इकट्ठा करूंगा। हमें इस चीज को मानने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। आदमी 20 या ये जो भी कोई चीज है। और कैसा चल रहा है? तुम्हें कितना पसीना आ रहा है, अपना हाथ दिखाना। तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो क्या? सर अपनी हाथ की हालत देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, मैं ये वीकेंड बर्बाद नहीं करने वाला। और अगर तुम मर गए तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं मरूंगा। चलो बोट पर जाकर फर्स्ट एड किट लाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आऊंगा यार। सुनिए, ध्यान से सुनिए, तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोस्ट की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि इस नाजुक मौके पर हमें फौरन मदद नहीं मिल पाएगी। ड्रू मर चुका है और आज ऊपर पहाड़ी पर कुछ बच्चों को भी मार दिया गया। आई विटनेसेस का कहना है कि ये किसी तरह के क्रीचर का काम है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता शेरिफ? ठीक से कह नहीं सकता, शायद कोई भालू या उससे भी खतरनाक कॉस्ट्यूम पहने कोई सनकी हत्यारा है जिस पर हॉरर फिल्मों का जबरदस्त भूत सवार है। वो चाहे जो भी हो, हमें उसे ढूंढना है और हम उसे जल्दी ढूंढ कर रहेंगे। वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ कोई आदमी नहीं है। तुम्हें कैसे पता विल? क्योंकि मैंने खुद उसे देखा था रॉय, अपनी दोनों आंखों से, समझे? आज जब अपनी बोट पर वो जोई को ले जा रहा था। मजाक मत करो विल, मैं सच कह रहा हूं। और शायद वो मेरे पीछे यहां तक आ गया है।
लगता है तुम भी आजकल बेन की तरह ज्यादा पीने लगे हो। हाँ ओह शैतान का नाम लो और वो हाजिर। चलो तुम्हारी सी मॉन्स्टर की कहानी को मानने वाला कोई तो आया। शट अप रॉय, तुम कुछ नहीं जानते। तू क्या जानता है शराबी, जाकर अपनी बोतल को उठा और गले से लगा और हमें ये काम करने दे। ठीक है बस करो रॉय, बहुत हो गया। तुम सबको ड्यूक याद है? हाँ। तो तुम्हें वो रात भी याद होगी जब वो घर नहीं लौटा था। हम लोग किनारे के पास चिनुक चला रहे थे। हमारे पास आधी रात से पहले 80,000 मछलियां होनी चाहिए थी। एक नेट खींचना बाकी था और ड्यूक ने कहा कि उसने बो के पास कोई चीज देखी है, फिर वो गायब हो गया। और अनाड़ी क्रू वालों ने कहा कि उसे शायद कोई शाक ले गई, लेकिन मैं अनाड़ी नहीं हूं, इसलिए मेरा यकीन करो कि उसे शाक नहीं ले गई थी। ये बात विल भी जानता है। उसने क्या देखा था? एक प्रेडेटर, इतना बेरहम और खतरनाक कि शैतान खुद उससे घबरा जाए। शेरिफ, मुझे अभी अभी मेरी बहन ने फोन करके बताया कि उसने पार्क में पेड़ पर चढ़ते हुए किसी मॉन्स्टर को देखा है। वो भालू जितना बड़ा था। अगर तुम लोग लाठी तलवार लेकर एक मनगढ़ंत मॉन्स्टर को ढूंढने जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक, मैं देखता हूं उसे। एक मिनट रुको रॉय, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। क्या करें, और लोगों के मरने का इंतजार करें शेरिफ? नहीं, हमें ये मिलकर करना चाहिए। तो देर किस बात की? हाँ विल, मिशेल से इसको मेरा हाय कहना। मैं भी जी, तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं? बात ये नहीं है कि मैं किस पर यकीन करता हूँ विल, हमें इस चीज को ढूंढकर रोकना होगा इससे पहले कि वो किसी और की जान ले। देखिए आप लोग घर पर रहिए, अंदर ही रहिए जब तक इस चीज को हम ढूंढ ना लें। जे तुम्हें नहीं पता तुम किससे उलझने जा रहे हो, उससे निपटने के लिए तुम्हें प्रोफेशनल्स चाहिए। मजाक अच्छा करते हो, और मुझे लगा कि मैं खुद एक प्रोफेशनल हूं। सब घर जाइए। तो क्या मैं एक ड्रिंक ले सकता हूं? नहीं अभी नहीं, वही है जिससे मैं चाहता हूं कि तुम बात करो। बोट कहां गई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लगता है एरिन बोट ले गई होगी? और कौन ले जाएगा, एरिन गायब है, बोट भी लापता है, खुद ही सोचो। आखिर वो बोट क्यों ले जाएगी डैनी? तुम मजाक कर रही हो, डॉक पर जाकर ड्रू की गर्दन पकड़ने के लिए, भड़ास निकालने के लिए। एरिन! वो तो गई, उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उससे पहले कहीं वो इन्फेक्शन तुम्हें ना मार दे। छुओ मत। आर्डन, हे, ये बेन है। हाय बेन। हेलो मैडम। कहाँ जा रही हो? डाइविंग। डाइविंग करने? पागल हो क्या? इन हालात में तुम्हें समुद्र में अकेले डाइविंग करने नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे लोग यहाँ मर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि जो जहर हमें मिला है वो असल में गहरे समुद्र के प्रेडेटर से आया हो, और वहाँ जाकर ही ये छानबीन करके पता लगाया जा सकता है। सही कहा इसने। वैसे कहाँ जाओगी? वैसे ये चीज समुद्र के पानी से आई है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा आराम गहराई में मिलता होगा, जहाँ पानी का टेम्परेचर सबसे कम है और खारापन सबसे ज्यादा है। अच्छा बहन, गोलायत ड्रॉप से ज्यादा कोई गहरी जगह पता है तुम्हें? यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। तो फिर गोलायत ड्रॉप ही चलते हैं। कहीं नहीं मिली। वो इसलिए क्योंकि वो बोट चुरा कर शहर वापस चली गई है। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। तुम्हारे पास और कोई वजह है? कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा? जैसे कि? कुछ भी हो सकता है। पायरेट्स? पायरेट्स, क्या बात कर रही हो। उसके गायब होने की एक ही वजह है, वो जरूर बोट लेकर ड्रू से मिलने चली गई है। हो सकता है, मतलब वो जल्दी वापस आ जाएगी।
हाँ आना तो चाहिए। लगता है यही वो जगह है विल। तूफान के आने से पहले हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे इलाके को छान लेते हैं। नजर पेड़ों पर रखना क्योंकि ये चीज ऊपर भी चढ़ सकती है। एक बात मुझे बताओगी, तुम ये कह रही हो कि ये चीज ऊपर वाले ने बनाई है? ऐसा मुमकिन हो सकता है? एक ऐसी स्पीसीज है जिसका होने का हमें पता ही नहीं। ऐसा अक्सर कितनी बार होता है? बहुत बार। 2004 की सुनामी के बाद पानी में रहने वाली 14 से ज्यादा स्पीसीज का पता लगा है जो लहरों से समुद्र के नीचे से ऊपर तक आ गई थी। नीचे के चीजों का हम सिर्फ कुछ परसेंट ही पता लगा पाए हैं। हाँ, लेकिन उन 14 में से कोई स्पीसीज ऐसी थी जो आदमखोर हो? हा? नहीं। अच्छा, क्या मौत की भूमि जाना जरूरी है? उसको पकड़ने का भी और तरीका तो होगा। मैं बिना पिंजरे के ग्रेट व्हाइट शार्क्स के बीच जा चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ आवाज सुनी तुमने? हाँ। यहाँ एक ताजा लाश पड़ी है, वो चीज आसपास हो सकती है। सब फैल जाओ, देखो शायद वो कहीं मिल जाए। कुछ मिला? नहीं, हम हवा में तीर चला रहे हैं। ओ माय गॉड! ना तेरे की ये क्या किया तुमने? हाँ, कम ऑन, बाहर निकल, तो नहीं बचेगा आज। नहीं, शांत रहो रॉय। बंद करो।
अरे वहां कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग अपने होश खो दोगे तो हम सब मारे जाएंगे। ठंडे दिमाग से काम लो रोए। चलो सब लोग मेरे पीछे आओ, चलो कम ऑन चलो। मुझे यकीन नहीं होता, ना रिसेप्शन में, ना कैबिन में, और ना ही यहाँ पर। हमें मान लेना चाहिए कि हमारा फोन साइलेंट पे काम नहीं करेगा। घर पर लैंडलाइन सभी रखते हैं। ये घर नहीं है, ये कैबिन है। ये एक आराम करने वाली जगह है जहाँ मेरे डैड टेक्नोलॉजी से दूर रहने के लिए आते हैं। फोन कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कम्युनिकेशन की बेसिक फॉर्म है जिसे कोई मदद के लिए इस्तेमाल कर सके अगर उसका हाथ कटने वाला हो। ये क्या कर रहे हो? शायद दबाने से ठीक हो जाए, कोशिश करता हूँ। देख रही हो क्या निकल रहा है? ओ गॉड, ये कितना गंदा लग रहा है। आई थिंक तुम्हें इसे जाके धो लेना चाहिए। कहाँ, इस खारे पानी में? तो चलो कैबिन वापस चलते हैं, तुम्हें इसे जल्दी साफ करना चाहिए, ये बहुत गंदा लग रहा है। आखिर तू चीज क्या है? हा, जितनी सोचेगी शायद प्रॉब्लम उससे बहुत बड़ी है। आखिर ये क्या है? फूटा हुआ अंडा। क्या कह रही हो? क्या ये अंडा उस मॉन्स्टर का है? और कोई चीज इस समुद्र में इस तरह का अंडा नहीं दे सकती। क्या नीचे ऐसे और भी अंडे थे? मुझे सिर्फ यही मिला और जिससे मुझे यकीन हो गया है कि इस अंडे से बच्चा कहीं और निकला और लहरों से यहाँ आ गया था। कहीं और? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वहाँ नीचे और भी अंडे हो सकते हैं? और अगर ये चीज जमीन पानी दोनों पर रह सकती है तो जरूर। हमें वापस चलना चाहिए, जे को ये बात बताना जरूरी है। ओह माय गॉड, ये एरन का है। तुम्हें यकीन है? मैंने कहा था ना उसे बारिश ले गए। ओह माय गॉड, ये पायरेट्स का काम नहीं है। चलो कैबिन वापस चलते हैं। मुझे इसी ने काटा था। छोड़ो मुझे।
ये मॉन्स्टर पानी से आया है ना, लेकिन शिकार जमीन पर कर रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो बहन? उसे पानी से बाहर निकालो, फिर जमीन पर चारा डालो और मार डालो। बात सही है, लेकिन पहले देखते हैं जे को क्या मिला है। काली, मैं डैड बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, प्लीज मुझे फोन करो। लव यू। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है, उसे इस वीकेंड अपनी दोस्त के यहाँ रुकना था, पर मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। मैंने कल शाम उसे कुछ दोस्तों के साथ देखा था। कौन से दोस्त? एरिन और डैनी जैसे लग रहे थे। डैनी? मुझे पता होना चाहिए था कि कार्ली इतने वक्त से मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। तुम्हारी गलती नहीं है, लड़कियों की अपनी पसंद होती है। जैसे बात हो पाई? नहीं, रेडियो पर कोशिश करके देखो प्लीज। शेरिफ हार्बर मास्टर बोल रही हूँ, मुझे सुन सकते हो? शेरिफ, दिस इज हार्बर मास्टर, डू यू कॉपी? जे, तुम सुन सकते हो? जे विल तुमसे बात करना चाहता है, क्या तुम सुन रहे हो? वो जवाब नहीं दे रहा। मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। वो क्या चीज थी? मुझे यकीन नहीं होता कि उसने एरिन को मार दिया। चुप रहो। तुम्हें लगता क्या वो और भी है? पता नहीं, हो सकता है। पहले कैबिन चलते हैं, फिर सोचते हैं। ओके, कम ऑन, कम ऑन। लपेट लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। कैसे? किसी को नहीं पता हम यहाँ हैं, डैड तक नहीं जानते। ड्रू जानता है। हमें कैसे पता कि ड्रू को इस चीज ने नहीं मारा और इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया? तुमने वो आवाज सुनी? लगता है वो उसी चीज की है। कुछ दिख तो नहीं रहा है, शायद किसी बर्ड की थी। कुछ दिखा क्या? ओह माय गॉड, फंस गए। ऐसा मत कहो, क्या तुम इन चीजों को मारने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकते? तुम्हारे डैड की कोई गन है? वो फिशर मैंने कोई हंटर नहीं है। तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तुम फिशर मैंने, तुम क्यों नहीं सोचते इस बारे वो में? वो मछली नहीं है कार्ली। तुमने कहा था ये एंगलर फिश जैसी लगती है। यहाँ फिशिंग का सामान कहाँ होगा? One, two, three.
कोशिश कर रहे हैं। मदद के लिए बुला रहा है। ओह नो, अब क्या करें? सुनो, नहीं हो गए? हाँ, तुम सही समझ रही हो। देखो, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। डॉक से दूर रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? बात मान लो, तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। बेन, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। यही तो मेरा शौक है। अब जाओ जाओ यहाँ से। उफ़, पागल हो गया ये। अब तू बच के कहाँ जाएगा बच्चों? Oh my God. Oh. Sheriff, this is Harbor Master. Do you copy? Barbara, this is Will. Sheriff's dead. Jay's dead. Oh my God. What about Roy? All the others? Sab mar chuke. Will, main chahti hu tum foran yahan aa jao. Ben puri tarah pagal ho gaya hai. वो डॉक्टर कोई पिंजरा बना रहा है और खुद चारा बनकर खड़ा हो रहा है। मैं बस आ ही रहा हूं।
आजा सामने आजा, मैंने तेरे लिए बढ़िया खाना तैयार किया है। बेन, विल तुमसे बात करने और तुम्हें समझाने सीधे यहाँ पर आ रहा है। बाबरा वहीं रुक जाओ, वापस जाओ। तुम मुझ पे निशाना क्यों लगा रही हो? बाबरा! 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 आगे अब तू नहीं बचने वाला। बाहर वो पार्टी कर रहे हैं। हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। मैं एरिन की तरह बेमौत नहीं मरना चाहती। जब तक वो नहीं जाता हम नहीं जा सकते। और अगर वो नहीं गए तो? अगर वो सारा खाना खाने के बाद हमें ऊपर खाने आ गए तो? अगर हम यहाँ से निकल भी जाएं तो जाएंगे कहाँ? बोट लापता है और इस मनहूस आइलैंड पर कुछ नहीं है। वर्ल्ड फेरी कैसी रहेगी? कौन सी फेरी? वो पुरानी फेरी जिसमें बचपन में मेरे डैड काम किया करते थे। उससे क्या होगा, वो बेकार है। यहाँ की सारी चीजें ठप पड़ी हुई है। शायद उस पर कोई रेडियो हो जिसकी हम मदद ले सकें। बिजली के बगैर रेडियो किस काम का? ओके ठीक है, चलो यही रुके, मर जाते हैं। वैसे पहले लोग रेडियो में इमरजेंसी बैटरी रखते थे अगर बिजली चली जाए तो। उम्मीद कम है इतने सालों बाद बैटरी में दम हो, लेकिन हो भी सकता है। उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे देखकर नहीं लगता कि गोलियों का उस चीज पर कोई असर होगा। मैं बस एक चीज जानता हूँ कि उनमें खून है। चलो नहीं आ रही। लगता है वो चले गए। तो चले। नजर नहीं आ रहे। लगता है फेरी साउथ साइड पर है। हाँ हमें वहीं चलना चाहिए। Ha ha ha!
मैं मरना नहीं चाहती डैनी, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ से चलना होगा। बेन, 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 ये नहीं रहा। जहर ने इसे मार दिया है। कुछ सुना तुमने? ये क्या है? ये देखा, कमीरा कहीं का। ये क्या है? ये हंटिंग जीपीएस ट्रैकर है। मैं मछली में स्पेयरगन से माइक्रोचिप लगाता था ताकि अगर वो हाथ से निकल जाए तो ये बाद में उन्हें ढूंढकर उन्हें पकड़ सके। तो वो चिप्स उन क्रीचर में है? और वो क्रीचर आइलैंड की तरफ गया है। डैनी की बोट लौटी नहीं है, वो अभी बाहर है। आई थिंक कार्ली उसे आइलैंड पर मेरे कैबिन ले गई है। और वो क्रीचर भी वहीं गया है। डैमन, इसे कहते हैं कुएं से निकलकर खाई में गिरना। पर कम से कम वो क्रीचर तो यहाँ नहीं है। ये काम करती है? ये बैटरी भी खराब हो चुकी है। तो अब क्या करें? फ्लैश ढूंढते हैं। सिग्नल स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वो यही है। कैबिन पर? नहीं, सिग्नल आइलैंड के दूसरी तरफ से आ रहे हैं। हमें बच्चों को आइलैंड से निकालना होगा। हमें इस क्रीचर को मार देना चाहिए। विल, पहले बच्चों को निकालते हैं। हाँ, अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रहे हो। फ्लेयर किट ढूंढ रहा हूँ। किसी भी तरह के इमरजेंसी बॉक्स पर नजर रखो। मजाक मत करो, ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारे पास और कोई आइडिया है? हाँ, शिप पर सबसे सेफ और मजबूत जगह ढूंढो और उसमें खुद को बंद कर लो। क्या पता वो चीजें दोबारा टपक पड़े। ठीक है, पहले फ्लेयर्स ढूंढने होंगे। शायद यहाँ फ्लैश नहीं है। बिंगो। हाँ,
शाबाश। काली, 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 डैनी, काली, डैनी, विल, वो लोग जिंदा है। चलो सेफ और मजबूत कमरा ढूंढते हैं। ये ठीक है, हम रात भर यहां रह सकते हैं। वो यहां भी है। मुझे ये उनकी आवाज नहीं लगती। तो वो किसकी आवाज थी? तुम यही रुको। ओके, तुम क्या कर रहे हो? देखने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। नहीं, प्लीज यहाँ अंदर आके छुप जाओ। अब मेरे पास ये है, तुम जाओ अंदर जाओ। राइट, इसको ऐसे फंसा लेना दरवाजे को लॉक करने के बाद, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। अपना ध्यान रखना। उसको अंदर फंसा लो। ओके, मैं अभी आता हूं। ये आवाज कैसी है? वो बुला रहे हैं। किसे बुला रहे हैं? सोने का वक्त है या फिर खाने का वक्त। कार्ली, चलो।
पर। कार्ली का है, वो ठीक है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। मुझे उसके पास ले चलो। चलो मेरे साथ। रुको! डैनी कहाँ है? I'm sorry, हमें निकलना होगा, वो भी जल्दी। पता चला वो हमारे ऊपर है। अजीब बात है। हाँ सच में। अब क्या करें? ओह माय गॉड, देखो इसलिए वो चक्कर लगा रही है। वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे गोलियों के बीच फंस जाए। हाँ। तो जब तक हम बच्चों का ध्यान रखें हम सेफ हैं। क्रीचर्स को तबाह किए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं इस शिप पर कभी वेल्डर रह चुका हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। कम ऑन, शिप पर हमेशा लीक्स होते रहते थे। हमें इसे बनाए रखने के लिए लगातार वेल्ड करना पड़ता था। ऑक्सीजन एसेटलीन, इसमें इतनी गैस बची होनी चाहिए कि उस क्रीचर और उसके घोंसलों को तबाह करते हैं। ऑलराइट, उन टैंक्स को इसके बराबर में लगा दो, अच्छी तरह से, एकदम पास पास। अब क्या करें? मैं चाहता हूं तुम टैंक्स को एक साथ बांध दो, रस्सी को बीम के नीचे से लेकर उस पुली से निकालकर इस बैरल के चारों तरफ से लेकर सबको उस ब्लॉक से बांध दो। यह शॉटगन अपने पास रखो, मैं पेट्रोल लेकर आता हूं। जा रही है। ठीक है, अब तुम दोनों बोट से फौरन चली जाओ, जल्दी। नहीं, मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। आर्डन, मैं कहता हूँ तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, जल्दी। नहीं डैड, आपने बताया भी नहीं कि क्रीचर्स करते क्या है।
उस सब के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जाना होगा प्लीज। लेकिन आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रॉमिस। विल, वो आ गई है। आदत गई नहीं बेटे, ना समझ लड़कियों, कुछ काम ठीक से करोगी क्या? ना समझ मतलब तुम नहीं समझोगी। रेलीज, फिशिंग के लिए तैयार हो जाओ, मौसम बड़ा सुहाना है।